सर गोपाल भंडारी सर है? सर वही सर, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसके लिए कॉल किए थे। साहब अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आया कि हम पूछ रहे हैं। अभी तक वो एक वो मेडिकल को आने वाला था, वो एक 120 डिस्पैच हुए, अभी तक नहीं है उनके पास। अगर सर, आए आने तो वाला आने वाला नहीं, आने वाला था बोले तो कहाँ से आ रहा सर वो? सर मेरा नाम शमशेर अहमद है, मैं भाई भाई ग्रुप से बात कर रहा हूँ गुलबर्गा से। हम एक सोशल एक्टिविस्ट है और हम बहुत सारे इस पे जो है लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जितना तड़प रहे गुलबर्गा में, कईयों लोग तो जो है परेशान हो के, मतलब इसकी वजह से बहुत सारे लोग तो परेशान हो गए। अटेंडर्स जो है एकदम फिकर में है, गम में है, टेंशन में है पेशेंट्स के अटेंडर। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा नहीं, और कोई भी बात करे तो जो भी जो नंबर दिए हुए है हेल्पलाइन नंबर उन पे बात करे तो कोई रिस्पॉन्स दे रहा नहीं। अभी आपको थोड़ी देर, अभी सुनिए, अभी आपको थोड़ी देर पहले एक लेडीज फोन करे, उनको आप ये बोले कि आप हमारा फोन रिकॉर्ड कर रहे क्या? अगर रिकॉर्ड कर रहे तो कोई परेशानी है सर आपको? नहीं नहीं, मेरे को रिकॉर्ड करे तो वो ऑटोमेटिक मेरे को मालूम हो रहा है कि रिकॉर्ड फोन कर करके। हाँ तो रिकॉर्ड हो रहा, रिकॉर्ड हुआ तो आपको, अगर आपको रिकॉर्ड कर रहे तो भी कोई परेशानी है क्या? अगर आप आपका काम ठीक से कर रहे तो आप कहीं को टेंशन ले रहे रिकॉर्ड कर रहे तो? नहीं मैं पूछा हूँ उतना उनको, मैं ठीक है। आप उनको पूछे बहुत अच्छी बात है। आप बोलते एमएस की मिल में किसी के पास इंजेक्शन है? किसके पास है सर इंजेक्शन? किसके पास नहीं, वो हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल है ना सर। कौन सा? केबीएन में, केबीएन में सुनिए, केबीएन में जो एडमिट करे सो है, केबीएन भी जो है कोविड हॉस्पिटल ही है, कोविड सेंटर दिए सो है। बहुत सारे गुलबर्ग में ऐसे हॉस्पिटल है जिसको कोविड सेंटर दिए सो है, लेकिन वो बेचारे भी क्या करेंगे, उनके पास भी आ रहे हैं इंजेक्शन, उनके पास नहीं आ रहे तो अरेंज कौन करना? आप क्या बोले कल 120 इंजेक्शन डिस्पैच हुए, आज आना था, नहीं आए, नहीं आए बोल तो रस्ते में कहां गए? उनके पैर लग गए कहीं तो भाग गए कहीं, कहां गए? नहीं मेरा बात सुनो, सुनाइए सुनाइए। अभी आने वाला था ये हमारे को से अभी तक नहीं आया करे, मैं इधर मेडिकल पे उतरे हूँ अभी। नहीं आने वाला तो था, नहीं आया बोले तो कहाँ है वो तो भी मालूम होना ना, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ पहुँचा, आया बोले तो कहाँ जाता, कौन से हॉस्पिटल को जाता, कहाँ मिलता, किसको मिलता, किसको देते? नहीं कभी किसी को भी नहीं दिए, उनको डिस्पैच ही नहीं हुआ करके बोल रहे। ठीक है, डिस्पैच नहीं हुआ होगा, अगर आया गुलबर्गा तो उसके बाद किसको मिलता, कैसा मिलता, क्या फॉर्मेट है उसका मिलने का, क्या प्रोसीजर है उसका लेने का? नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, आप अभी अभी तक उनके पास नहीं है, अगर आए तो मैं बोल दूंगा। तो आप क्या करो, कोविड का रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट। किसके पास नहीं आया अभी तक? किसके पास नहीं आया? किसके पास? वो श्रद्धा मेडिकल है ना, उनके पास नहीं आया अभी। श्रद्धा मेडिकल श्रद्धा मेडिकल है, डॉक्टर शिवकुमार है ना। हाँ उनको आने वाला था, उनके ऊपर उनका ऑर्डर, उनके नाम पे, मेडिकल के नाम पे बिल हुआ। नहीं श्रद्धा मेडिकल, नहीं नहीं श्रद्धा, श्रद्धा मेडिकल और डॉक्टर शिवकुमार उनको क्यों मिल रहा है? कोविड सेंटर्स में, कोविड सेंटर्स में जहाँ ऑलरेडी पेशेंट एडमिट है उनको क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं उनके पास आ रहा है ना जी डायरेक्ट, वो किनके पास आ रहा है? कोविड सेंटर आ रहा है, कहाँ आ रहा है? केबीएन में, केबीएन में एडमिट है पेशेंट, एडमिट है, उन्होंने बाहर से क्यों मंगा रहे? हाँ क्रिस्टल में पेशेंट एडमिट, सुनिए क्रिस्टल हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, उन्होंने बाहर से क्यों मंगा रहे? हाँ दूसरी जगह जो पेशेंट एडमिट है उन्होंने बाहर से क्यों मंगा रहे? हमारे को दिन में 25 से 30 फोन आ रहे सर, 25 से 30 फोन आ रहे, लोग रो रहे, लोग रो रहे, मदद करो हमारी, मदद करो बोल के लोग रो रहे। देखो भाई मैं भी हमारे से, हम तो सिंसियर से काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ना सर, हम कुछ काम कर रहे हैं। आप सुनिए सर, आप अगर काम कर रहे हो तो आपको क्या भी ये करने की जरूरत नहीं है, आप काम कर रहे तो बराबर होता था। अगर सिंसियरिटी से आप लोग अपना काम बखूबी करते तो कॉल हमारे को नहीं आते, लोग इतने परेशान गुलबर्गे में नहीं रहते। ऑटो में अपने अम्मा को ऑटो में लेके बैठे, ऑक्सीजन लगा के वहां अंदर ले जाने के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स बोल रहे कि लाके क्या करते हैं, इंजेक्शन हमारे पास नहीं है, इधर एडमिट करके क्या करते बोल के बोल रहे, इंजेक्शन हमारे पास नहीं है, फैबिफ्लू टैबलेट हमें नहीं मिल रहे, ये चीज बोल रहे। हेलो देखो तुम भी परेशान जो है, हम भी परेशान है, सब लोगों को एडजस्टमेंट करने के लिए। पेशेंट कितना बढ़ रहा है, पेशेंट बढ़ने से वो क्या पैनिक हो रहे हैं, पैनिक वो दवा का, पेशेंट जो बढ़ रहे ना सर, पेशेंट जो बढ़ रहे ना उसके लिए भी हम चिल्ला के फेसबुक पे अपील कर रहे हैं कि भाई पब्लिक को मत बाहर निकलो, बेवजह बाहर मत निकलो, अननेसेसरी घर से बाहर मत निकलो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, अगर आपका कोई काम नहीं है तो बाजार में, मार्केट में, होटल में जाओ मत, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपने गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो करो, क्योंकि हमारा और आपका फर्ज बनता है ये कोविड को रोकने का। अगर पब्लिक बाहर बाजार में, मार्केट में पब्लिक बढ़ेगी, डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा तो ये बीमारी बढ़ेगी, ये जो है वायरस बढ़ेगा। बोल रहे सर बहुत बोल रहे हमारे वीडियो को चलो लॉकडाउन करने को बोलो साहब। देखिए साहब एक बात बोलते, देखो डिप्टी कमिश्नर को हम लॉकडाउन बोलने के लिए नहीं बोल सकते, डिप्टी कमिश्नर साहब जो है, मैडम जो है,
उन्होंने बखूबी जानते हैं, उन्होंने वो लेवल के है बोल के उनको डिप्टी कमिश्नर बनाए, उन्होंने खुद जानते हैं कि अच्छा है बुरा है, लॉकडाउन करना है नहीं करना है। अगर लॉकडाउन करना है बोले तो उन्होंने बराबर डिसीजन लेते। आज पूरे सोशल एक्टिविस्ट से बुला के मीटिंग भी करे, उधर करने के बाद उन्होंने पूरा बात भी कर रहे हैं, मैडम जो है डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम से बात कर रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, ऊपर भी बात कर रहे हैं। हम हाथ जोड़े तो क्या होते हैं सब, ये तो कंट्रोल होना होता है ना। नहीं भाई साहब, हम हाथ जोड़ने से नहीं होता। डिप्टी कमिश्नर जब उन्होंने बने हुए ना, उनको मालूम है मैडम को कि क्या करे तो बेहतर रहता गुलबर्गे के लिए, लॉकडाउन करना बेहतर रहता नहीं करना बेहतर रहता। नहीं सिर्फ बीमारी का नहीं, इकोनॉमी का भी देखना है उनको, रोजगार का भी देखना है, डेली वेजेस का भी देखना है। डेली वेजेस पे काम करके लोग भूखे मरते वो भी देखना है। खाली लॉकडाउन करो बोलो उनको, बोले तो तुम्हारी तनख्वाह आती, तुम्हारी पेमेंट आती होंगी। जो डेली वेजेस पे काम करने वाले उन्होंने कैसा हवा खाना, मट्टी पत्थर खाना, क्या खाना साहब, वो लोग मर जाना क्या। ये बीमारी से भी बचने के चांसेस है, लेकिन भूख से इंसान क्या करेगा, कर्जा नहीं दे पा रहा। कईयों लोग लास्ट टाइम जब लॉकडाउन करे थे, कईयों लोग एक दो जन गुलबर्गा में फांसी लगा के मरे। अगर तुम ये बोल रहे कि हाथ जोड़ो उनको, हाथ जोड़ के बोलो लॉकडाउन करो, बोले तो डीसी मैडम को मालूम है लॉकडाउन करना है या नहीं करना, बोलिए बहुत अच्छे से मालूम है उनको। देखो हमारा तो डीसी मैडम को, तो डीसी मैडम लेते हो जो भी लेना है उनको स्टेज। हेलो, हाँ बोलिए सर। हेलो, लास्ट टाइम इसमें हमारा भाई भी गुजर गए जी, हमको मालूम है तकलीफ कितना है, तो मालूम है हमको। सर तो तुम्हारे को तकलीफ है तो तकलीफ का अंदाजा बोलो, तुम्हारे भाई का वास्ता देखो, तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि तुम्हारा भाई के साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ होने मत दो। सर सुनिए, ड्रग कंट्रोल अगर आप बने ना, दिन में 25-30 कॉल हमारे को आ रहे, हम 25-30 जनों से जो है टैकल कर रहे, कैसे कैसे उनकी परेशानी है वो देख रहे, तो इसमें थोड़ा हेल्प करने की कोशिश आप करो। आप जो बोल रहे ना, वहां से इंजेक्शन निकले 120 डिस्पैच हुए मगर उन तक नहीं पहुंचे, बोले तो किसकी गलती है, वो किसकी गलती है हमारे को बताओ, उसके नाम पे जाके कंप्लेंट करते हैं। फोन भी आएगा सर, लोग रिकॉर्ड भी करेंगे। अगर तुम ये पूछेंगे कि हमारा फोन रिकॉर्ड कर रहे क्या, बोले तो गलत होता, आपका फोन रिकॉर्ड कर रहे करते, क्योंकि हमारा हक है करने का, करते भी नहीं। हम लोग बोले से गलत है क्या आपको, नहीं तुम बोले तो गलत, लेकिन मेरे को ये बात बताओ कि क्या बोल रहे, एक तो भी हेल्प करे, किसको तो भी हेल्प करे, किसको तो भी बता रहे, खाली वहां मिलते तो जाओ बोल रहे, फिर बाद में बोले अभी हमको नहीं मिले बोल के, कोविड सेंटर में मिलते बोल रहे, कोविड सेंटर में मिलते बोल रहे, तो फिर कई को कोविड सेंटर वाले बाहर से इंजेक्शन मंगा रहे, क्यों मंगा रहे, उनके ऊपर एक्शन बोल लेना। फोन डीएचओ लेना जी, मैं कि हमका हमारा का काम है, डीएचओ आप भी फोन करो, आप भी फोन करो डीएचओ सर को, फोन करो आप भी डीएचओ सर को, फोन करके बोलो पब्लिक का फोन हमारे को ऐसा आ रहा सर, कोविड सेंटर में जहां एडमिट करे हुए पेशेंट्स को, वहां पे उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल होने के बाद भी नहीं दे रहे बोल के, आप हमारे को रिपोर्ट दो, आप ये बोलो कि कोविड सेंटर में अवेलेबल है बोल के, हम उनके ऊपर एक्शन लेते, हम उनके ऊपर कंप्लेन करते। कोविड सेंटर वाले खुद ये बोल रहे कि हमारे पास इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है बोल रहे, सबके पास नहीं ना, अभी जो सिचुएशन जो आप समझ लो भाई। और सर अभी थोड़ी देर पहले आप क्या बोले, कहाँ एडमिट है वहाँ पे इंजेक्शन अवेलेबल है बोले कोविड सेंटर में, फिर अभी आप ही बोल रहे नहीं है बोल के। नहीं भाई, उनका उन्होंने मंगाना चाहिए, मंगा रहे थे हम लोग उनके जो रेकमेंड लेके, कितना स्टॉक हम लोग मंगाना चाहिए बोले तो सर उन्होंने मंगा रहे, उन्होंने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, चाहे केवीएन हॉस्पिटल रहेंदे, क्रिस्टल हॉस्पिटल रहेंदे, ये मनोर हॉस्पिटल रहेंदे, या जो भी कोविड सेंटर बने जो है, या जो भी फार्मोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर है, उन्होंने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे बेचारे, वो भी मंगा रहे, वो भी कोशिश कर रहे। अब नहीं तो किसको बात करना, लोग ये बोल रहे कि तुम्हारा नंबर लो बात करो, ये ड्रग कंट्रोलर है देखो बात करो, बोले कल एक साहब का नंबर दिए थे, उनका नाम शंकर था, उनको बात करे तो उन्होंने बोले अरे मैं क्या कर सकता हूँ जी, मैं तो बेंगलुरु में बैठा हूँ, ये गुलबर्गा वाले को फोन करो बोल के आपका नंबर दे रहे। मेरा नंबर है ना, हम लोग क्या कर, हम भी कहाँ कहाँ आए करके पूछ रहे हैं ना, अभी तुमको बोल रहे थे अभी सनराइज हॉस्पिटल में जाओ, अभी उनके पास है आपको दे देंगे साहब, इतना ही हमें बोल रहे हैं। सनराइज हॉस्पिटल में है, हाँ है उनके पास, आज आए उनके पास, जो पेशेंट का एड्रेस भेज दो आपको मिलेगा, सनराइज हॉस्पिटल में मिलेगा ना। कितना कितना आए उनके पास, कितने आए थे इंजेक्शन उनके पास? 50 आए थे उनका पेशेंट के लिए, उनका पेशेंट 30 पेशेंट है करके। अच्छी बात है, उनके पास 20 पेशेंट है, उनके पास 50 आए थे, 30 उनके पास एक्स्ट्रा है। नहीं नहीं, उनका अभी 50 आ जाए वो लोग उनका पेशेंट रख के एक्स्ट्रा रहे तो आपको हेल्प करते तुमको। अच्छा, उनके एक के पास ही चाहिए, दूसरे के पास नहीं है सर गुलबर्ग में? ना गुलबर्ग के पास किसके पास नहीं है सर, हम ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं हम। 120 इंजेक्शन जो डिस्पैच हुए थे वो किसके पास आने वाले बोले आप? श्रद्धा मेडिकल, श्रद्धा मेडिकल है ना? हाँ श्रद्धा मेडिकल, उनके पास तो पेशेंट नहीं है ना मेडिकल बोले तो, उन्होंने तो बेचना, उन्होंने तो बेचने के लिए ला रहे ना, देने के लिए।
तो उन्होंने दे देते हैं एमआरपी में, उनके पास टेस्ट रिपोर्ट और आधार कार्ड और प्रिस्क्रिप्शन दिए तो वो लोग देने के रेडी है। वो लोग उनके पास 120 आए तो वो लोग देने के वास्ते रेडी है। श्रद्धा मेडिकल वाले श्रद्धा मेडिकल कहाँ था सर? गुलबर्ग में तो वो गोल्ड हब है ना। हाँ गोल्ड हब बाजी में डॉक्टर शिवकुमार का है ना, शिवकुमार। हाँ डॉक्टर शिवकुमार सर है। हाँ उनका उनके पास आने वाले, उनका मेडिकल है, उनके उन्होंने मंगाए थे आ रहे उनके पास, उनका उनके पास 120 आ रहे हैं। तो 120 आ रहे बोले तो उनका फर्ज बनता कि वो जो भी पेशेंट्स परेशान है उनको देना और एक आधार कार्ड लेके देना, एक आधार कार्ड प्रिस्क्रिप्शन लेके देना और एमआरपी रेट में देना, कोई भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना, एमआरपी रेट में वो देना पड़ता है। उनके काम करो जी सर, हम लोग उनके पास आए तो हम जाके उधर बैठते, कोई पेशेंट आने तो वहाँ बैठ के उनको डिस्चार्ज करने का जवाबदारी हमारा है। तो ठीक है सर, आप वहाँ पे कितने बजे तक रहते? बोलिए सर मैं वहाँ पहुँचता हूँ। नहीं अभी नहीं, उनके पास नहीं आया करे, मैं गया था उनके पास, अभी ना है विराल से उनसे डिस्पैच और बोले करते, उनके पास अभी तक नहीं आया उनके पास। ठीक है अभी तक नहीं आया तो शाम तक तो आएंगे ना, 5-6 बजे तक। नहीं वही हम ट्रैक पे है, अगर आए तो मैं आपको बोल दूंगा। आप आ जाओ, मेरा नंबर है, मेरा नाम शमशीर अहमद है, मैं भाई ग्रुप से हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं गुलबर्गा का रहने वाला हूँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम गोपाल राव भंडारी है। गोपाल राव भंडारी सर, आप मेरे को कॉल कीजिए, जैसे ही वो आता आप मेरे को कॉल कीजिए। वहाँ पे आते लोगों की दुआ लगती, जो आपके भाई के साथ हुआ हादसा, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे वो किसी और के साथ हो, आपके इंतकाल फरमा गए, हमारे को उसका अफसोस है। लेकिन आप दूसरों के लोगों को भी, दूसरों के घर वालों को भी, अपना भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपना बेटा समझ के थोड़ा अगर मदद करें ना सर तो हो जाता सर। नहीं साहब हम, तुम देखो मैं कितना सुबह से शाम तक 200 से 300 सर आप अटेंड कर रहे हैं, इट्स योर ड्यूटी सर, ये आपका जॉब है, हमारा ये जॉब नहीं है। फिर भी हम इंसानियत के नाते, हमारे को कोई नहीं देती है, फिर भी हम इंसानियत के नाते अपने हाथ के पैसे लगाकर, अपना वक्त लगाकर, अपना सब कुछ लगाकर कोशिश कर रहे। क्यों कर रहे बोले तो इट्स फॉर ह्यूमैनिटी, करना है इंसानियत को बचाना है, इसलिए कर रहे सर। आपका नाम क्या बोलो? मेरा नाम शमशीर अहमद है सर। शमशीर अहमद साहब देखो, हम लोग ये जो कोविड के लिए हम फाइट करेंगे जी, तुम हम सब मिलकर फाइट करेंगे। अभी तुम्हारे पेशेंट सफर हुआ तो अभी मैं बोलता हूँ उनको 2 इंजेक्शन लेके जाओ, मैं बोलता हूँ उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते किसको बोलते सर? वो वहाँ शिवराम करके है, शिवराम करके, कब बोलते जाओ प्रिस्क्रिप्शन दो? कब बोलते? मैं अभी बोला हूँ जाओ उधर। अभी किधर 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 शिवराम किधर है? ये सनराइज हॉस्पिटल है ना, सनराइज हॉस्पिटल जी, ये सलमान, डॉक्टर सलमान है ना? हाँ उनका जो मेडिकल शॉप है ना उधर। ठीक है उधर जाके मैं आपको फोन करता हूँ सर, थोड़ा बात कीजिए सर, मेहरबानी होती सर। मेहरबानी होता मैं वो करती, ठीक है मैं बस करता हूँ, जाके मैं आपको फोन, मैं वहाँ जाके फोन कर रहा हूँ सर आपको। ठीक है मेरे को वहाँ जाने के फोन करो, मैं तुमको उनको पेशेंट को बोलता हूँ, तुम्हारा अटेंडर को बोलता हूँ, तो तुमको एक पैसा भी ज्यादा लिया तो मेरे को बोलो, खत्म। मैं उनको क्या लेके जाना सर? क्या लेके जाना? प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना और प्रिस्क्रिप्शन कोविड का रिपोर्ट और आधार कार्ड। ठीक है प्रिस्क्रिप्शन कोविड का रिपोर्ट आधार कार्ड ये लेके जाते सर, थोड़ा वहाँ जाके आपको कॉल करते सर। प्लीज सर, प्लीज रिक्वेस्ट है, फोन उठाइए उनसे, बात कीजिए, हमारे को 2 इंजेक्शन दिलाइए, आपको मेहरबानी होती। फिर जैसे ही वो संतोष मेडिकल, कौन सा मेडिकल बोले आप मेडिकल? श्रद्धा मेडिकल में जैसे ही वो इंजेक्शन आते, थोड़ा आप ये करके जो जो वाकई में जिसको जरूरत है सर उनको दिलाइए सर, आपको बहुत दुआ लगेंगे सर। इसके अलावा सर, इसके अलावा अगर ये कोविड की जो ये है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपके साथ मिलके कुछ हमारे को प्रोग्राम्स करना है, लोगों के पैर पेट में मुंडी डालना है तो भी डालेंगे सर, लोगों के हाथ पैर जोड़ेंगे, लोगों के हाथ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि बाहर मत निकलो, ये वायरस कंट्रोल करना है तो ये करेंगे, ये सब चीजें करेंगे और हम कर रहे भी है सर। फेसबुक पे आप वीडियो करें, इंशाल्लाह सब करेंगे सर। अभी थोड़ा पैनिक डिसीजन, हम लोगों को बहुत काम लगा है, बिल्कुल डिसीजन का लगा है, ये लग रहा है वो लग रहा है, हमारा पूरा मेंटली क्या कर रहे हैं, डिस्प्रेस हो रहे हम लोग। भंडारी सर, हाँ भंडारी सर, बहुत 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 शुक्रिया सर, आप मदद कर रहे हैं। अभी मैं सनराइज हॉस्पिटल जा रहा हूँ सर, वहाँ जाके आपको फोन लगाता हूँ, थोड़ा इंजेक्शन का इंतजाम करवाइए। एक मिनट 5 मिनट में आपको फोन करता हूँ, वहाँ वो शिवराम को बात कर रहा था। ठीक है आप फोन कीजिए सर, मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ। मैं इधर जाता हूँ, वहाँ से पेशेंट को मैं फोन कर रहा था। हाँ और उनके साथ बात करके दे दो, ले लो। ठीक है आप मेरे को फोन कराइए सर, 5 मिनट में वेट कर रहा हूँ आपके फोन का। ओके थैंक यू सर। बोलिए सर, मैं इधर सनराइज में आया हूँ, आपका पेशेंट का नाम बोलो। हमारे पेशेंट का नाम सर, पेशेंट हाँ। बोलो अजीम, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अजीम करके। एक मिनट मैं उनके पास साथ बात करो। हाँ हेलो सर। हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए सर, नाम क्या है? मोहम्मद अजीम है।
मोहम्मद अजीम है जी, 62। हाँ के वी एम हॉस्पिटल। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक लेडीज भी फोन करे थे। राइट, हाँ, मोहम्मद अजीम एज 62, केवीएन हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उनको इमीडिएट जरूरत है। राइट, ठीक है, भेजेंगे सर किसी को? हाँ भेजिए सर, भेजूँ अभी? भेजिए सर, ठीक है, भेज रहा हूँ सर। ओके, गोपाल सर को दीजिए जरा, भंडारी साहब को। हाँ, हेलो भंडारी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा वो और एक मेडिकल में जो आ रहा वो भी थोड़ा अरेंज करवा दीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ, पहले ये भेज के इनको दो पहुंचा देंगे, फिर उसके बाद वो मेडिकल में जो आता वो भी नहीं, वो नहीं, उधर वो आए तो ना हम लोग उनको उधर बैठ के ही जो सा खोलता थी पेशेंट आने तो सही है, उधर बैठ के थोड़ा मेरे को फोन कीजिए सर, आते ही थोड़ा मेरे को फोन कीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है ठीक है, मैं दूसरा काम पे हूँ, ऑक्सीजन का उसका इसका, वहाँ सीडम जाओ उधर जाओ, मेरा बहुत काम लगा है। ठीक है सर, आप वो काम में रहिए, अगर वो आया तो आपको पता चलता ना, आप नहीं भी आए तो जरा मेरे को फोन कीजिए, क्योंकि वो ये देते वो उसका तो फर्ज है, मैं बोला हूँ कोई भी पेशेंट आए देते वो मालूम है, लेकिन कब आता वो मालूम होना ना, आते ही पूरा खत्म कर दिए तो उनको क्या है, उनका पेशेंट है करके हॉस्पिटल में एडमिट है करके उनका है पेशेंट एक उनका प्राइवेट के लिए उनका हॉस्पिटल के लिए 25-50 तक जाएगा, बाकी का 75-70 तो रहेगा उनके हॉस्पिटल के लिए, उनके हॉस्पिटल के लिए 25-50 जान दो, मगर जो 75 तो बचते उसमें से तो क्या तो भी मिलेगा वो देने के लिए, जो तड़प रहे जो हॉस्पिटल में बेड पे जो तड़प रहे जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे उनके लिए कुछ तो मिलें दो सर। ठीक है तुम मेरे फोन करो कब करो सर, आए तो मैं बोलता हूँ उनको। नहीं नहीं कितने बजे करूँ आपको फोन? नहीं आज तो आने का डाउट है बोलते हो, फिर भी मैं आपको शाम में 7-8 बजे जैसा एक बार फोन करता हूँ, फोन करता हूँ मैं उधर जाके मिलके आता हूँ, तो मैं वहीं से मैं देख के तुमको फोन करता हूँ। फोन करो सर, फोन करिए। ओके सर, थोड़ा खाना खाना जा रहा हूँ मैं, अभी सुबह से नहीं खाया जा रहा। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ओके जाके आइए सर। ओके, सनराइज हॉस्पिटल को भेज रहा हूँ, देखो MRP से वो दो इंजेक्शन करा दे सर। किसके भेजे तुम पेशेंट का, इनका नाम बोलो, अटेंडर का नाम, अटेंडर का नाम सर, अटेंडर का नाम बोलते सर, क्या कौन सा अटेंडर को भेज रहे हैं? हेलो हेलो नदीम, हाँ नदीम आ रहे हैं, नदीम बोल के आते देखो वहाँ पे। हाँ नदीम आने देखो, उनको प्रिस्क्रिप्शन कोविड रिपोर्ट और आधार कार्ड, प्रिस्क्रिप्शन कोविड रिपोर्ट आधार कार्ड तीनों लेके आते सर, नदीम नाम बोलते और पेशेंट का नाम बोलते, आप उनको दे दो सर MRP से। ओके 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 सर, थैंक यू वेरी मच। ओरली बोलो, हम जितना है हम करेंगे, हम मैं बोल रहा हूँ ना अभी सुबह से 8 बजे से मैं अभी तक बैठा हूँ, खाना नहीं खाया। आप बिल्कुल सर, आप बैठे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसमें प्रॉब्लम और मालूम इसमें कौन कर रहे हैं सर, जैसा कि मैं आपको बताया ना, अगर मैं किसी डॉक्टर को फोन करके ये बोलूँ कि मैं शमशीर अहमद बात कर रहा हूँ बाय बाय ग्रुप से और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ये बोलते क्या है मालूम, सीधा बात कर रहे हैं, नहीं तो आड़े टेढ़े बात कर पब्लिक के साथ। आपने आपने दूसरे नंबर पर बात किया था और आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आप वो बोले ना कि मतलब कौन सा मेडिकल में आ रहा, बोले अभी 120 श्रद्धा मेडिकल आ रहे हैं, श्रद्धा मेडिकल में 120 इंजेक्शन आ रहे, बोले डॉक्टर साहब का नाम क्या बोले? शिव कुमार सर के पास 120 आ रहे हैं। मैं अभी उनको मैडम को फोन किया, हाँ। वो बोले अभी तक हम हुबली से नहीं डिस्पैच हुआ सर, खाली इनवॉइस बोल इनवॉइस डाल दिए, डिस्पैच नहीं हुआ करके बोले अभी हम लोग हुबली कब तक करेंगे, हुबली से डिस्पैच कब तक होता सर? आज मुझसे आज शाम में हो जाएगा, आज शाम में हुआ तो कल तक पहुँचता, कल 12 बजे तक आएगा, आज कल 12 बजे तक आएगा ना, आज मैं कोई तुम्हारा फोन आना जो कौन सा क्रिटिकल, ओनली क्रिटिकल देंगे, क्रिटिकल देंगे सर, क्रिटिकल ही देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज क्या डेट क्या है सर, आज 20 है ना, 20 है, कल 21 तक पहुँचता। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप ये भी बात बोले, वो डॉक्टर साहब का नाम क्या बोले, श्रद्धा मेडिकल वाले शिव कुमार सर का जो हॉस्पिटल है, उनके हॉस्पिटल में जितना लगता सर, उनके पास कितने पेशेंट है, उनका क्या 50, उनका पास 25 पेशेंट है करके बोल रहे थे उनको, ठीक है 25 पेशेंट है उनके पास, 120 आ रहा, बाकी का जो भी है ना सर, उन्होंने किस चीज को दिए उसका रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं सर, और उनका नंबर लेके रख लो, बोलो जिस जिसको दिए हम उनको फोन करके पूछेंगे, MRP से क्या पूछेंगे, अगर MRP से एक पैसा भी ज्यादा दिए ना सर, हम केस करते उनके ऊपर। यस सर, उनको बोल दिया, मैं तो बोल दिया उनको। नहीं आप बोल दो सर, आप उनको खुला बोल दो कि अगर ये लोग बोल रहे हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट है, ये लोग बोल रहे हैं, ये आवाम है, ये पब्लिक है, बोलो पब्लिक पूछ, अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखे कि इंजेक्शन किस किस को दे रहे और कितने में दे रहे, अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखे, अगर उनका नंबर नहीं रखे पेशेंट्स का या उनके अटेंडर्स का, तो हम उनके ऊपर केस करेंगे अगर एक भी इंजेक्शन मिस हुआ तो। हाँ वो बोले वो कर देंगे हम लोग, ठीक है सर, ये इंजेक्शन मिस हुआ तो करेंगे, और जहां तक कि आप बोले तो लॉकडाउन करना बोल के,
लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है सर, लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। और लॉकडाउन करना डीसी मैडम के हाथ में नहीं रहता, लॉकडाउन करे तो बहुत लोग मर जाते हैं सर, बेरोजगार लोग कैसा हो जाते, 26 लोग बेरोजगार हो गए लॉकडाउन के बाद, तो पूरे बेरोजगार हो जाते। नहीं, मैं ऐसा बोला आप बोले लॉकडाउन किया तो अच्छा होता, लेकिन अच्छा नहीं होता। गरीब लोगों का आप आके देखो, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे उनका आके देखो, रोज कुआ खोदे तक रोज पानी पीने नहीं मिलता। अगर कुछ करना है ना तो लॉकडाउन के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे, पब्लिक के हाथ जोड़ेंगे, पब्लिक को समझेंगे, पब्लिक को ये बोलेंगे कि अननेसेसरी क्राउड मत करो, बाहर मत निकलो, अगर काम नहीं है तो बाहर मत निकलो, क्योंकि अगर तुम बाहर वो काम करेंगे लॉकडाउन करने का नको सर, लॉकडाउन करने का क्या है, वो ऊपर बात कर रहे हैं डीसी मैडम, ऊपर बात करते हैं, ऊपर से जो भी आता वहाँ से जो चीफ सेक्रेटरी से जो आता वो होता। फिर भी सर मैं ये मीडिया में भी देता हूँ और आपकी रिकॉर्डिंग भी डालता हूँ, ये भी बोल के डालता हूँ जो हमारे बीच में बात हुई है और जो आप हेल्प करें वो भी डालता हूँ, और जो मेडिकल में आ रहे अवेलेबल है जहाँ से पब्लिक ले सकती वो भी डालता हूँ, क्योंकि उसके लिए पब्लिक को थोड़ा आसानी होती, क्योंकि पब्लिक जो है बहुत एकदम पैनिक है, थोड़ा उनकी घबराहट तो कम होती ना कि इंजेक्शन आ रहे बोल के मार्केट में मेडिकल बोल के घबराहट कम होती, उसके लिए डाल रहा हूँ मैं। और एक बात है, अब घंटा कौन सा मेडिकल कोविड सेंटर है ना, अभी 21 सेंटर हो गए अभी, वहाँ हम लोग 1100 इंजेक्शन ऑर्डर डाल दिए। कौन सा 21 सेंटर में 1100 इंजेक्शन, 1100 इंजेक्शन आने वाला है कल, हम लोग सुबह क्या आज सुबह क्या किए, इंडियन किसी की रिक्वायरमेंट है। नहीं नहीं, 1100 इंजेक्शन क्या पूरे कोविड सेंटर में मिल के आने वाले हैं या एक 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 कोविड सेंटर में 1100 आने वाले? नहीं, तो एक एक बेड नहीं, एक एक कोविड सेंटर पर डे कितना कंजम्पशन है, टोटल 1100 इंजेक्शन कंजम्पशन है उनका। तो गुलबर्गा के सारे कोविड सेंटर में 1100 इंजेक्शन आने वाले हैं और एक एक कोविड सेंटर में जितना कंजम्पशन है उतना मिलेगा, आप लोग उसको सर्वे करेंगे? उनका मिलेगा, बाहर जो डॉक्टर से लिखते हैं ना उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करने के बोलो, और लोगों पेशेंट को घबराओ मत, तो तुम ये लेके आओ ये लेके गए होते हैं, पेशेंट को डराए तो क्या होते हैं, वो पेशेंट बाहर आके मैं कहीं तो जाना कैसे जाना दो कहीं तो लेंगे करके वो घबराहट होती है, वो लोग बाहर आ रहे थे। ठीक है सर, फिर एक काम करता हूँ मैं, ये आपका जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग के साथ एक वीडियो बनाकर पूरे मीडिया में दे देता हूँ मैं, सोशल नेटवर्क मीडिया में, देखिए ये बोलता हूँ कि देखो 1100 इंजेक्शन सारे कोविड सेंटर में आने वाले हैं, एक एक कोविड सेंटर में जितना कंजम्पशन चाहिए उतना उनको मिलेगा, और डॉक्टर से प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो कहीं बाहर से प्रिस्क्रिप्शन ना लिखें, और पब्लिक जो एडमिट है हॉस्पिटल में, जो पेशेंट एडमिट है और जिसके अटेंडेंस है, वो घबराओ नहीं, कल से इंजेक्शन सबको मिल जाते और यहाँ यहाँ पे अवेलेबल है, और इसके लिए जो है हमारे गोपाल भंडारे साहब हमारी बहुत हेल्प करे और पब्लिक की भी हेल्प कर रहे हैं उनके, तब डालेंगे सर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर सुनिए, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं, आम पब्लिक भी बात करी तो थोड़ा उसको अच्छे से बात करें सर। नहीं, मैं अभी इधर आके कितना साल हुआ, सबके पास पूछो मेरे नेचर कैसे। बिल्कुल आप अपनी बातों से दिख रहे सर, अच्छे दिख रहे आप इसी तरह रहो, इसी तरह मदद करो। आपके भाई का सुन के भी बहुत दुख हुआ सर, आपके भाई की आत्मा को भगवान जो है शांति दें दे, लेकिन आप जो है थोड़ा पब्लिक के लिए काम करते रहिए सर, फिर मैं आपको बात